हेलो फ्रेंड्स, सुमन की किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने तुअर की दाल बनाई हुई है, बिल्कुल सादा सिंपल। हम इसको तड़का लगाएंगे। ये देखिए, दाल बनकर तैयार हो गई। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। गैस को मैंने ऑन कर लिया है। इसमें मैंने एक भगोना रखा हुआ है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया, आधा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने एक टमाटर लिया हुआ है, एक प्याज लिया हुआ है, दो हरी मिर्च ली हुई, इन्हें लंबा लंबा मैंने कट कर लिया। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने लहसुन नहीं डाला हुआ है। दाल में हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, एकदम सादी दाल बनाएंगे। अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज को हम ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज को भून चुका है, हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इनको भी हम अच्छे से पका लेंगे। आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अब हम कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। दाल बनकर रेडी हो गई। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इस तरह से दाल का तड़का लगाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बच्चे भी बड़ा आसानी से खा लेते हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए।